आइए आइए, क्या हुआ? बाइक से गिर गया डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम? नर्स, उसको बुखार आया और बाजू वाले हॉस्पिटल में गई है। वन मिनट। देखो, मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं। आज तक किसी को आई लव यू भी नहीं बोला, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें चलना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो, एक मिनट, कुछ हो गया तो? डोंट वरी, आई एम अ हाउस सर्जन। ओह, मुझे छोड़कर कुत्ते के पास गई तो सोचा तुम जानवरों की डॉक्टर हो, इंसानों की हो। टिंचर। कॉटन। बैंडेज। अरे ऊपर रखे ले लो ना। सिज़र। मोनोसेफ। इसने लाइफ में पहली बार नाम सुने ला। मैं अक्सर पिछवाड़े पे इंजेक्शन देता हूँ जिससे सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये लो। नो प्रॉब्लम, इंजेक्शन कल ले सकते हो। थैंक्स डॉक्टर। फीस? नो नो नो, प्लीज, आई नो, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, फीस भी मैं देता हूँ। डॉक्टर प्लीज, आप किस बात की फीस दे रहे हो साहब? इसका ऐसा क्या काम किया? डॉक्टर साहब बिना काम के एक रुपया नहीं लेते हैं। इनका रेपुटेशन इतू साहब भी खराब नहीं है। मैम साहब आप जाइए, और साहब आप भी जाइए प्लीज। आपको एकदम सही बोला ना सर। असली जानवरों का डॉक्टर तो वो है। सॉरी, इट्स ओके। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। एक्सक्यूज मी, घर जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद आएगी, फिर सोचूंगा काश पहले पूछ लिया होता। क्या तुम अपना नाम बताओगी? माया। अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। नाम के साथ साथ उसकी कुंडली भी पूछ लेता तो लगे हाथ साथ फेरे भी लगवा देते। डेट पे बुला लेना चाहिए था। आई एम सो एंड सो, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, और सीधा कॉफी पे बुला लेता। अभी हो गई ना फुर। वैसे एक बात तो क्लियर है, हम सब अपने शहर में दिन रात मटर गश्ती करते रहते हैं, लेकिन हम में से किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मतलब वो मतलब तेरे को वायरल फीवर देने वाली लड़की शहर में नहीं रहती है। क्या बोल रहा है साहिल? ये सही बोल रहा है। उस लड़की की वजह से तेरा एक्सीडेंट हुआ है। कोई अवार्ड नहीं मिला कि खुश हो रहा है। तीन दिन से उसके बारे में बड़बड़ कर रहा है। पक्का कोई गड़बड़ है। ठीक है, आज के बाद उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ओके? आइला, अरे ये तो सेम टू सेम मेरी वाली फीलिंग है। हर दिन सुबह उठकर मैं बोलता हूँ कि आज से दारू नहीं पीना रहा। लेकिन शाम को 6 बजने के बाद ऐसी घंटी बजती है कि खंबा कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। इसका भी यही हाल है। हाय मेरे लिए। ये छोकरी वही है ना? अभी तो बोला उसके साथ बात नहीं करूंगा। फिर अरे गपना फाफड़ा, गिटार बजाने दे। बजा ले। अब कैसे हो? बहुत खुश हूँ। 3 दिनों से सोया नहीं हूँ, दिल में एक ही ख्याल है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि ये दर्द कब कम होगा। आज सुबह से काफी अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे नहीं लगा था हम दोबारा मिलेंगे, मगर मुझे अच्छा लगा कि हम दोनों मिले। मेरा मतलब एक डॉक्टर को हमेशा पेशेंट के बारे में जानना चाहिए। समझी। आइसक्रीम? शो। और खाओ ना। वाह 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 वाह।
जैसे तुम ये आइसक्रीम पिघला पिघला के मुझे खिला रही हो, मैं भी पिघल चुका हूँ। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू डार्लिंग। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भाई कैसे किया? हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। अबे तेरी तो लड़की पट्टी नहीं तो जल गई क्या? आपके लिए क्या लाऊं सर? मेरे लिए बेल्जियम डार्क चॉकलेट, ओके, ऊपर से थोड़ा नट्स और चॉकलेट डाल देना। ठीक है सर। और तुम? कुछ भी चलेगा। तुम्हारी पसंद मुझे क्या पता? ठीक है। बटरस्कॉच। जी मैम। तो कहाँ रहती हो? यहीं पे, गर्ल्स हॉस्टल। बस एक ही हफ्ता हुआ मुझे यहाँ के, अच्छा हॉस्टल है। और तुम? यहीं रहता हूँ, इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स दिए, रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, इंजीनियरिंग में दिलचस्पी भी है क्या? ऐसा क्यों लगा? तुम्हारी दाढ़ी और बालों को देखकर लगा मुझे। तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने वाले, अच्छे मार्क्स से पास होकर अच्छी नौकरी करने वाले टाइप के नहीं लगते। तुम कुछ और करना चाहते हो, मगर तुम गिटार बजा ले तो ये एक्सपेक्ट नहीं था। तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है? मैंने जो बजाया वो पसंद नहीं? नहीं, इट वाज नाइस। मुझे म्यूजिक पसंद है, ये नहीं कहूंगा कि म्यूजिक मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी, मेरा पैशन है, पर जो भी हो फ्यूचर में म्यूजिक जरूर होगा। इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और माया को? माया? हाँ, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि एक दूसरे को आप कहें, बिना फॉर्मेलिटीज के बात करेंगे तो अच्छा होगा। सो आज से तुम मेरे लिए डॉक्टर नहीं, माया हो। बहुत प्यारा नाम है। माया, तुम्हें म्यूजिक पसंद है? आपका ऑर्डर सर। एक्सक्यूज मी, बटरस्कॉच मंगाया था, ये स्ट्रॉबेरी है। सॉरी मैम, गलती हो गई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट रुको। हाँ सर। एक सेकंड, इसे लेकर जाओ और मैम ने जो कहा वो लेके आओ। इस बार समझ गया ना? समझ गया सर। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो मंदिर में प्रसाद बांट रहा है, जो भी देगा ले लोगी। पसंद नहीं है तो एडजस्ट क्यों करना? आई एम सॉरी, ऐसा मुझे लगता है। इट्स ओके, जब एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है तो हम अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बचपन से ही मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है। म्यूजिक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। विदाउट म्यूजिक मेरी जिंदगी अधूरी है। बहुत से लोग इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मगर हर किसी की तकदीर एक जैसी थोड़ी ना होती है। मैम ये रहा बटरस्कॉच। तुमने इंजेक्शन लिया? हॉस्पिटल आ जाना एनी टाइम जब तुम कल फ्री रहोगे, ओके? बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? चाय लेकर जाते वक्त पैर फिसल कर मैं गिर गया था दीदी, और सारे ग्लास टूट गए। मालिक को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उबलता हुआ पानी मेरे पैरों पर डाल दिया दीदी। दर्द हो रहा है दीदी। मैंने माँ को कहा कि नारियल का तेल लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना माँ? दीदी जल्दी करो, आधे घंटे में दुकान पर नहीं गया तो मालिक मुझे मार देगा। दो दिन तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते तो मेरी नौकरी का क्या होगा? माँ मालिक का फोन है, मुझे डर लग रहा है, आप बात कर लो ना माँ, प्लीज माँ। हेलो भैया, फोन खराब है, स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। अरे कहाँ मर गया तू? हेलो, कौन है? तुम्हारे बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। दोनों क्या करते हैं? बड़ा पांचवी और छोटा तीसरी में। एक की पढ़ाई बंद करवा दो और उसे होटल में काम पर रखो। अगर कल से आपका बेटा स्कूल जाएगा तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा भैया, प्लीज। मालिक तो हफ्ते में एक दिन मारता है, मगर स्कूल में तो रोज मार पड़ती है ना भैया? ऐसा मम्मी कहती है। मैंने इससे ये सब इसलिए कहा था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। टीचर से कहूंगा इसे मारना मत, फिर तो पढ़ेगा ना? पढ़ूंगा।